लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती देश सहित जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सरदारपुर के दसई में भी पाटीदार समाज द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई थी। इस दौरान हरदेव लाला चौक पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा पर समाज के कैलाश जी, बाबूलाल जी, सुरेश पाटीदार, विजय पाटीदार सहित समाज जनों ने पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया। इस दौरान समाज जनों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को विस्तार से बताया गया। वहीं नगर में निकली विशाल वाहन रैली में 100 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ ही बड़ी संख्या में दो पहिया वाहन भी शामिल हुए। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुंदर झांकी ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं रैली का अनेक जगह पर मंचों के माध्यम से पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया तथा रास्ते भर जय सरदार जय किसान के नारे लगाते रैली में शामिल लोग चल रहे थे। सरदार पटेल की जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको मालूम है कि सरदार पटेल ने इस देश के लिए, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने इस सारी रियासतों को, कम से कम 562 रियासतों को एक करके उनको एक करने का काम किया था। तो आज हम भी यह इस मंच से, यहाँ से यह निर्णय लें, सभी अपनी कसम खाएं कि हम भी उनके विचारों पर चल के इस देश को, अपने समाज को, अपने संगठन को, सबको आगे ले जाएंगे। जैसा कि आज 31 अक्टूबर है, आज सरदार पटेल जयंती का उत्सव मनाया गया है। यहाँ पर ग्राम दसाई में सर्व समाज की ओर से एक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें ट्रैक्टर, पदयात्रा और बाइक शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनका एक साधारण जीवन रहा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, राष्ट्र की एकता, सबकी एकता। हमेशा वो एकता की बात करते रहे। उन्होंने 308 रियासतों को एक किया, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो हमेशा, इसीलिए उनको एक लौह पुरुष कहा जाता है।